अपने कैरियर की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस गिरफ्तारी का दावा किया। उनमें से मुलजम वसीम बारूदी को सीआईडी पुलिस ने 10 माह कबल 28 अक्टूबर 2009 को भी गिरफ्तार किया था। वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा रजा हैदर की शहादत के बाद जिस मुलजिम शकील बर्मी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की बुनियाद पर यह दावा किया था कि इस वाके के पीछे तालिबान मुलिस हैं, इसकी गिरफ्तारी वसीम बारूदी के साथ ही अमल में आई थी। पुलिस ने इस मौके पर दावा किया था कि औरंगी टाउन फायरिंग के तबादले के बाद 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से 1.5 किलोग्राम भारतीय सारा धमाका खेज मवाद, 2 खुदकुश जैकेट्स और 5 क्लैशनकोव बरामद हुई है। इस मौके पर एसपी सीआईडी फयाज खान का कहना था कि मुलजमान का टारगेट इमाम बारगाहें, स्कूल, अहम सरकारी इमारतें और पुलिस अफसरान थे। इस मौके पर ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था कि मुलजमान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी टारगेट करना चाहते हैं। सैयद ताजुद्दीन, जियो न्यूज़, कराची।